हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग ये करने वाले हैं कि डीएम डीएफ और कार्मिक के लिए कैसा फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो डीएम टू डीएफ एंड कार्मिक, ताकि हमको पता चले कि दोनों का स्टेटस जो है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या है। तो गाइज, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो मेरा जो दूसरा चैनल है द हायरोफेंट 111, उसमें भी मैं ऐसे ही वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ आजकल, टाइमलेस रीडिंग्स, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग्स लेकिन इंग्लिश में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वहाँ पर भी आप जा करके देख सकते हो। तो ऑल्सो गाइज, मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर आप हीलिंग्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स खरीदना चाहते हो मुझसे, या पर्सनल जो है रीडिंग्स चाहते हो, तो नंबर जो है आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए गाइज, देखते हैं आज। और एक सॉन्ग भी लेने, ओ ओ ओ ओ, ओ एक कार्ड बेंड हो गया और वो है 10 ऑफ कप्स। देखते हैं गाइज क्यू, ठीक है, हम लोग इसको अच्छे से शफल करते हैं और फिर से देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं वो। कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स बेंड होना ये भी बताता है कि उनकी हैप्पी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आए हैं। बट स्टिल वी विल सी कि डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक के लिए क्या और डीएम के लिए डीएफ के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स निकाले हैं मैंने, तो गाइस चलिए देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन क्या फील कर रहे हैं डीएफ के लिए फ़िलहाल। डीएफ के लिए क्या फील कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, कार्ड्स काफ़ी बाहर आना चाह रहे थे, ठीक है, ये डीएफ के लिए है। और क्या सोच रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक के लिए वो भी देखने की कोशिश करते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या सोच रहे हैं कार्मिक्स के बारे में। ठीक है गाइज, और भी कार्ड्स निकलना चाहते हैं ऑब्वियसली। ठीक है गाइज, तो कार्मिक्स के लिए भी सोच काफ़ी ज़्यादा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन, लेकिन इसको करने का स्टाइल जो होगा यहाँ पे डीएफ्स, यहाँ पे कार्मिक्स साथ में देखेंगे क्या फील कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन जो है डीएफ्स के लिए। देखते हैं गाइज डिवाइन मैस्कुलिन क्या फील कर रहे हैं डीएफ्स के लिए। ये भी रीडिंग कल की तरह काफ़ी लंबी जाने वाली है। और क्या फील कर रहे हैं गाइस डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक्स के लिए, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, एक और कार्ड निकलना चाह रहा है, तो वो एक और, यस। तो गाइस अभी हम देखेंगे क्या थिंकिंग फीलिंग दोनों का देख लिया हमने, और बाद में सॉन्ग भी ले लेंगे। अगर कोई कनेक्टिंग एनर्जी होगी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आना चाहेगी, तो वो भी हम रोमांस एंजल से देख लेंगे। ठीक है गाइस, एक्शन देखेंगे, पर पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम पहले कार्ड स्प्रेड कर देते हैं सारे, ठीक है। तो पहले हम थिंकिंग, ठीक है, फीलिंग और फिर एक्शन देख लेंगे सबका। तो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए पहले डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या थिंकिंग है गाइस वो देख लेते हैं। ओके, टावर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो उन्होंने उनको लग रहा है अगर सब कुछ ख़त्म हो गया है कार्मिक के वजह से या कुछ, तो वो सोचने की कोशिश करें डिसीशन मेकिंग प्रोसेस में। देखिए गाइस, 10 ऑफ कप्स जो है डिवाइन फेमिनिन के लिए आया है यहाँ पर, क्योंकि वो हैप्पी फैमिली। 4 ऑफ वॉन्ड्स गाइस शादी का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पे, लेकिन वो उनको डर रहे हैं, तो पेशेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन तो है बड़े झगड़े के मूड में। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमको पता है लेकिन उनको नहीं पता। ओके गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसलिए वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करें कि वो कैसे कांटेक्ट करें, ठीक है गाइज, और इस सिचुएशन के वो जगल कैसे करें। क्योंकि गाइज अभी फ़िलहाल उनके कार्मिक्स का देखेंगे, तब हमको पता चलेगा जगलिंग क्यों। कार्मिक्स को देख के शॉक हो गए हैं डिवाइन, उनके नए रंग देख के कहीं ना कहीं कार्मिक्स भी अभी अपने काम पे जाना चाह रहे हैं, या करियर को फोकस और प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं, ठीक है गाइस। तो इसी वजह से जो है कार्मिक्स बड़ा डिवाइन फेमिनिन की बिहेवियर कॉपी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वो यही सोच रहे हैं कि वो शॉक हो गए हैं कि अचानक से कार्मिक्स को क्या हो गया है, और अचानक से वो इतनी करियर ड्रिविन और पैसे के सोचने वाली कैसे हो गई है, और फैमिली को छोड़ के काम 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 क्यों कर रही है वो।
देखिए गाइज, हैंग्ड मैन में है वो कार्मिक्स को लेकर के, और कार्मिक्स जो है बिल्कुल भी अभी उन पे या उनके फैमिली पे या उनके बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही है, तो इसीलिए वो स्पाई कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं गाइस कि कार्मिक्स पे स्पाई करना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। वो किसको इम्प्रेस करने की कोशिश करी, क्या कर रही है कार्मिक्स यहाँ पे? गाइस डिवाइन मैस्कुलिन को स्पीचलेस है गाइस, वो जानते ही नहीं है कि कार्मिक से क्या बात करनी है, बिकॉज कार्मिक्स जो है के साथ उनको बहुत ज़्यादा हार्डशिप फील कर फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि कार्मिक्स अपने बारे में ज़्यादा सोच रही है, सेल्फिश हो रही है, फैमिली को छोड़ के काम पे ज़्यादा फोकस कर रही है, काम काम चल रहा है, पैसे पैसे कर रही है, कोल्ड हो रही है, ठीक है, उनको लग रहा है उनकी तरफ, तो वो स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत डिफ़िकल्टीज है कि अगर उनको के लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया जो जिसके वजह से जो है डीएफ अपने ऊपर, मतलब कार्मिक जो है अपने ऊपर फोकस करना चालू कर दी है, और डीएम्स को छोड़ने का प्लान तो नहीं है कहीं, तो इतना एक्शन में क्यों आ गई है कि ना फैमिली पे ध्यान दे रही है ना बच्चों पे ध्यान दे रही है, अचानक से इनको क्या हो गया है? और कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन भी लग रहा है अभी उनको डीएफ की तरफ, कि सोच रहे कि डीएफ का फालतू में टूटा जो है फॉर नो रीज़न जो है डीएफ के साथ तोड़ दिया, क्योंकि इसके साथ फैमिली बन सकती थी, लेकिन अभी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो जो डीएफ के बारे में सोच रहे कि डीएफ तो सिर्फ अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है, ठीक है, और दुनिया को अप्रोच कर रही है, बहुत ज़्यादा बाहर जा रही है, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली का ख्याल रख रही है, तो जो है अपने हाथ में लिया हुआ पेंटिकल, पहली बार मैं बता रही हूँ गाइज आपको, अपने हाथ में लिया हुआ पेंटिकल, मतलब जो ऑलरेडी उनके पास है, जिनके ऑलरेडी उनके जो कार्मिक है उनको छोड़ के उनका सारा ध्यान डिवाइन फेमिनिन पे जा रहा है, क्योंकि वो स्पाई तो कर रहे हैं कार्मिक को, क्योंकि इनको लग रहा है कार्मिक्स को झोल कर रही है यहाँ पे और जाने वाली है इनको छोड़ करके। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बड़ा गड़बड़ है, कार्मिक्स अचानक से उनका उनको छोड़ के, उनके फैमिली को छोड़ के, उनका सब कुछ करने का छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों पर ध्यान क्यों दे रही है, मतलब ये बहुत गड़बड़ वाली बात हो जाती है। तो ये जो है करियर में जाने की बात बोल रही है कार्मिक्स, जो है जॉब ज्वाइन करने की बात कर रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है, मूव आउट हो सकती है वो, ये वाला प्रॉब्लम जो है इनको बहुत ज़्यादा सता रहा है, शॉक्ड है वो कि क्या करे, क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा इधर। चलिए गाइस देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या फील कर रहे हैं। सेक्रल चक्रा काफ़ी इंटेंस फीलिंग्स आ रही है गाइस, फील कर रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग वुमेन बन गई है, एक्सप्लोर कर रही है अपने ऑप्शंस, दुनिया कम्युनिटी से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रही है, ठीक है गाइस, पैसे कमा रही है, और ये सब देख के उनको लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन की है स्ट्रैटर्जी, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं और अचानक से देख रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन जो है कुछ अलग ही ट्रैक पे चली गई है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया, और वो फील कर रहे हैं कार्मिक्स के लिए कार्मिक्स की तरह, वो देख रहे हैं कि कार्मिक सिर्फ उनके पैसों से मतलब रखते थे, आप सिर्फ पैसों से ही मतलब है उनको, और कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं कि इस थक चुके हैं वो, मतलब इस जर्नी से, मतलब कार्मिक के साथ थक चुके हैं ना, उनकी कोई वैल्यू है, और कहीं ना कहीं उनको ये भी फील हो रहा है दिस कनेक्शन इज ओवर, कार्मिक्स के साथ सब खत्म हो चुका है कहीं ना कहीं, और बहुत ज़्यादा दूरियां बना के रखी हुई है उन्होंने कार्मिक से, ये टॉक्सिक कनेक्शन है, अब डिवाइन मैस्कुलिन को समझ आ रहा है, और वो अपने डोर टू हैप्पीनेस को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है कि डिवाइन जो है मैस्कुलिन को, कि कार्मिक सिर्फ उनको उनके पैसों के लिए रखना चाहती थी और इसीलिए उनका वैल्यू जो है बिल्कुल नहीं करती थी, ताकि डिवाइन मैस्कुलिन को लगे कि उनकी कोई वैल्यू नहीं करता है और फिर वो उनके पास ही चिपक के रहेंगे। गाइस ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रैटर्जी है, ठीक है गाइस, तो डिवाइन मैस्कुलिन को समझ परेशान है वो स्ट्रैटर्जी से, ठीक है, उनको लग रहा है डिवाइन फेमिनिन क्या स्ट्रैटर्जी कर रही है, कार्मिक्स भी उनके साथ स्ट्रैटर्जी कर रही है, तो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ अचानक से, बट स्टिल गाइस देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या सॉन्ग देना चाहेंगे, देखते हैं गाइस क्या सॉन्ग होगा डिवाइन मैस्कुलिन का फॉर द डिवाइन फेमिनिन, क्या सॉन्ग देंगे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को। हम दर्द है, हम दम भी है, तू साथ है तो जिंदगी, तू जो कभी दूर
रहे ये हमसे हो जाए अजनबी, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो कैसे करे हम उसको बया, बातें कभी ना तू भूलना। अब गाइस मुझे ये ना बहुत एक ट्रिकी चीज़ लगी और इस पे हंसी भी बहुत आ रही है कि डिवाइन मैस्कुलिन को समझ आ रहा है कि जब डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी उनके साथ होती है ना तो उनकी लाइफ बड़ी सही जा रही होती है, और जैसे ही डिवाइन फेमिनिन आउट उनकी लाइफ में प्रॉब्लम इन। तो चलिए गाइस देखते हैं एक और भी चीज़ हम करेंगे, इस कार्मिक के लिए क्या गाना डेडिकेट करना चाहेंगे, डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक के लिए क्या गाना डेडिकेट। और चाहिए था हम लोगों को कंफर्मेशन, सच क्या है, सच है कि दिल तो दुखा है हमने मगर सोचा है, दिल को है गम क्यों, आँख है नम क्यों, होना ही था जो हुआ है, उस बात को जाने भी दो जिसका निशा कल हो ना हो, हर पल या जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। तो कहीं ना कहीं डिवाइन कार्मिक से डिवाइन मैस्कुलिन तो एंड कर चुके, अब वो समझ रहे हैं कि कार्मिक से क्या गेम प्लान किया था, बट अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि डिवाइन फेमिनिन क्या गेम प्लान कर रही है। ठीक है गाइस देखते हैं कि अभी क्या चल रहा, क्या एक्शन लेंगे। एक कार्ड यहाँ पे एक्शन के लिए डिवाइन फेमिनिन के लिए और एक एक्शन कार्ड वहाँ पे कार्मिक के लिए, तो डिवाइन फेमिनिन क्या के लिए क्या एक्शन लेंगे डिवाइन मैस्कुलिन, और इन फेमिनिन के लिए क्या एक्शन लेंगे डिवाइन मैस्कुलिन। एक मिनट गाइस अच्छे से शफल करना है मुझे, और एक कार्ड उल्टा हो गया था तो आई वांट टू करेक्ट इट। चलिए गाइस देखते हैं डिवाइन, ओके इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो ये जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो, आप उनको प्यार कर सकते हो। और कार्मिक के लिए क्या एक्शन लेंगे डिवाइन मैस्कुलिन गाइज, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। डिवाइन कार्मिक के लिए क्या एक्शन लेंगे डिवाइन मैस्कुलिन, ओके गो अहेड एंड मेक। कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन उनको एज अ फ्रेंड गाइड करेंगे कि भाई अगर तुम्हें कहीं जाना है तो जाओ, ठीक है दिस सिचुएशन इज ओवर। कहीं ना कहीं उनको मुंह पे बता देंगे, ठीक है। कार्मिक के लिए क्या एक्शन लेंगे इज एक्सप्रेस योर लव, तो उनको कहीं ना कहीं जाकर बोल देंगे कि भाई अगर तुम्हारा कोई है तो गो अहेड, ये कनेक्शन इज ओवर। ठीक है गाइज, और कुछ नहीं गाइज, आज की रीडिंग को यही ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।